वेल 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 भाई साहब, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन टू का ट्रेलर्स आ चुके हैं। अभी तक वेट करा जा रहा था कि भाई साहब एक ही ट्रेलर दे दो, क्योंकि पूरे दिन यही जद्दोजहद लगी रही थी। मैं सुबह से उठ के वेट कर रहा था कि यार अब ट्रेलर आए, लेकिन आसपास 9 बजे के आसपास इन्होंने ट्रेलर से रिवील आउट करे हैं। दो साइड दिखाई गई हैं, क्योंकि दो फैमिली के बीच में लड़ाई होने वाली है। एक है ग्रीन फैमिली, एक है ब्लैक फैमिली। ब्लैक फैमिली कौन है? अपनी क्वीन ऑफ रनेरिया टारगेरियन को जो सपोर्ट करते हैं, जो फॉलो करते हैं, वो है ब्लैक फैमिली। एंड द ग्रीन फैमिली कौन है? एलिसेंट हाईटावर की बिटिया यानी एगॉन टारगेरियन को जो फॉलो करते हैं, उसकी किंगशिप को जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो है ब्लैक फैमिली। सिंपल है, क्लियर है भाई। ग्रीन का अलग ट्रेलर आया है, ग्रीन का क्या साइड है वो दिखाया है। ब्लैक्स का अलग ट्रेलर आया है, ब्लैक्स का क्या साइड है वो दिखाया गया है। दोनों की तरफ से दिखाया गया है कि कौन कौन कितने कौन, मतलब सारे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कौन कौन तैयार है, मतलब बुरे से बुरे के लिए कौन तैयार है। क्योंकि जो चीज उन्हें हासिल करनी है वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सगे में लड़ाई चल रही है भाई साहब, सगे भाई बहन में लड़ाई चल रही है, एक ही बाप की औलादों में लड़ाई चल रही है। कह सकते हैं हॉलीवुड की महाभारत कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि जो रेनेरिया टारगेरियन है वो है भाई एज में बड़ी है, तो वो सोचती है कि भाई ये जो थ्रोन है वो मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन उसके नीचे जो एगॉन टारगेरियन है, जो एलिसेंट हाईटावर का पहला बेटा है, बड़ा बेटा है, क्योंकि रेनेरिया अलग माँ से पैदा करी गई है और ये अलग माँ से पैदा करा गया है, तो ये दोनों के बीच में भाई जद्दोजहद है। क्वीन वो जिसने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया है, एंड एगॉन जिसने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया है कि वो है किंग, कहाँ का? सेवन किंगडम्स का। लेकिन तड़ीपार कौन है? रेनेरिया टारगेरियन तड़ीपार है। वो कहाँ पर है इस समय? वलेरिया में है शायद, हाँ वही सी, जो सी पे रूल करते हैं, क्योंकि वो भी ड्रैगन राइडर्स हैं और ये भी ड्रैगन राइडर्स हैं। तो रेनेरिया टारगेरियन के पास है सपोर्ट किसका? वलेरियंस का। और इनके पास, ये तो खैर टारगेरियंस हैं क्योंकि ये यहाँ पर किंग्स लैंडिंग पर बैठे पड़े हैं, तो भाई ये होने वाली है लड़ाई। और इन्होंने असेंबल्स कर लिए हैं उन उनको जिन जिन को प्रॉब्लम है किंग्स लैंडिंग के मेन टारगेरियन से, मतलब सबकी अपनी अपनी कूटनीति है। और डिप्लोमैट यार, पॉलिटिक्स इस हद की चलने वाली है, साफ पता लग रहा है ट्रेलर से। क्योंकि रेनेरिया टारगेरियन भाई फुल सैवेज लुक में देखने को मिल रहे हैं, फुल टॉक्सिक, सीधा ऑफेंडेड है, डिफेंडेड भी नहीं कहेंगे, फुल ऑफेंसिव है कि भाई वो गद्दी अपन को चाहिए तो कैसी भी चाहिए। एलिसेंट हाईटावर उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसका बेटा है एगॉन टारगेरियन, जो अभी गद्दी पे बैठा पड़ा है। भाई साहब दुश्मनी देख रहे हो, ये जो सत्ता के लिए दुश्मनी देख रहे हो, अभी तक जो दोस्त थे वो दुश्मनी में बदल चुके हैं। सगे भाई को नहीं समझा जा रहा है यहाँ पे, समझ सकते हो कितना ज़्यादा मसाला मिलने वाला है, क्या कुछ भाई, बहुत एक्साइटमेंट है। 16 जून को हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 ड्रॉप आउट हो जाएगा और जो कहानी देखने को मिल रही है भाई, डायमंड टारगेरियन अलग ही सैवेज लुक में देखने को मिल रहा है, टॉक्सिक, फुल ब्रूटल। यार ये बंदा डार्कर है, निगेटिव, बहुत क्रूअल बंदा है, और ये पॉजिटिव में काउंट करा जाता है, पॉजिटिव फेस में काउंट करा जा रहा है, क्योंकि ब्लैक की जो टीम है भाई वो पॉजिटिव में काउंट करी जा रही है। सीधा सिंपल सा हिसाब इन्होंने, HBO वालों ने सीधा सिंपल हिसाब रख दिया कि भाई सिक्के के दो पहलू होते हैं, छोड़ हम पे दिया है पब्लिक पर कि तुम्हें किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना है, वो तुम जानो, डिक्लेयर तुम करोगे कौन गलत है कौन गलत नहीं है। बस दोनों की तरफ से कहानी दिखा दी कि भाई ये जो फैमिली है इसकी तरफ से ये है, क्योंकि ये अपनी जगह सही है। एगॉन टारगेरियन पहला बेटा है, क्योंकि सत्ता में होता यही है कि पहले बड़े बेटे को सत्ता दी जाती है, लेकिन रेनेरिया टारगेरियन उसका भी जो साइड है वो भी बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि एज के हिसाब से देखें तो उसकी उसी के हाथ में थ्रोन जाना था। अगर वहाँ पर सत्ता, मतलब जो प्रजा थी उसे एक्सेप्ट नहीं भी करेगी, तो जो उसका रेनेरिया टारगेरियन का जो पहला बेटा होने वाला था उसको गद्दी मिलनी चाहिए थी, लेकिन गद्दी उसे नहीं मिली, क्योंकि जिस वेलेरियन से उन्होंने शादी करी थी वो गे था, तो उसके साथ वो बच्चे पैदा नहीं कर पाए। देन उसके बाद रेनेरिया का किसके साथ चला सिस्टम? उसके अंगरक्षक के साथ चला। दैट्स वाई कि जो उसके भी 2 से 3 बेटे थे, आई थिंक, मुझे 2 का याद है, जितने भी, अगर तुम्हें बताया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता गया ना, तो उसके साथ वो बास्टर्ड सन पैदा हुए थे, लेकिन वहाँ प्रजा उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। दैट्स वाई कि रेनेरिया की इतनी ज़्यादा इमेज गिर चुकी है यहाँ पर, दैट्स वाई उसे एज क्यून बहुत से लोग पसंद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो तड़ीपार हो चुकी है। एगॉन जो यहाँ पर बाई ब्लड प्योर ब्लड है, टारगेरियन ब्लड है, एलिसेंट हाईटावर जो ओटो हाईटावर राइट हैंड है किसका? अपना विसेरस किंग का,
फिलहाल वो किंग का ही राइट हैंड है। अब जो एगोन टारगेरियन का किंग बनने वाला है, जो फुल माइंडेड भाई क्लेवर, बिल्कुल लोमड़ी नहीं कह सकते है, वो है बिल्कुल ओटो हाइटावर। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एगोन टारगेरियन के पास जो गद्दी है, जिस हिसाब से वो बैठा पड़ा है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है भाई। डिसाइड तुम्हें करना है, एचवी वाले ने सिंपल कर दिया, हमें नहीं पढ़ना है इस झंझट में, तुम जानो किसे सपोर्ट करना है भाई, हमारे पास ये चीजें हैं, हमने तुम दोनों को तुम्हें दिखा दिया। 16 जून का वेट है, क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, क्योंकि भाई डायमंड टारगेरियन फुल सेवेज देखने को मिल रहा है, सीधा उसका थ्रेटन है भाई, सलाह भी नहीं दे रहा है, थ्रेट कर रहा है, धमका रहा है कि फॉल्स किंग को एबेंडन करो, राइट क्वीन को भाई साहब उसके सामने घुटने टेको, अदरवाइज अपने घर को जलवाओ, यानी खुद मारे जाओ, सीधी सी बात, नो चॉइस, या तो सपोर्ट करो या तो मरो। देन उसके बाद एमन टारगेरियन, जिसे पता है कि भाई साहब उसकी फाइट होने वाली है उसके अंकल से, यानी किससे, डायमंड टारगेरियन से, भाई चचा भतीजे, सगे चचा भतीजे लड़ने वाले हैं यहाँ पर। भाई वेट है, बहुत ज्यादा वेट है। कैरेकस वर्सेस वागार, वागार का लुक देख रहे हो, कितना साइज, फुल साइज, फुल ग्रोन अप साइज, बहुत बड़ा। देन कैरेकस ड्रैगन अपना उसका है डायमंड टारगेरियन का, वो जद्दोजहद होने वाली है। रेनेरिया टारगेरियन वर्सेस एलिसेंट टारगेरियन, या फिर रेनेरिया टारगेरियन वर्सेस एगोन टारगेरियन, डायमंड टारगेरियन वर्सेस एमोन टारगेरियन, कैरेकस वर्सेस वागार, ये भी तो होने वाला है। वैलेरियन वर्सेस टारगेरियन होने वाला है, और दोनों ही दमदार ट्रेलर है, मैंने दोनों को एक एक करके देखा है। तीसरा ड्यूलिंग ट्रेलर दिखाया है, जो दोनों का मिक्स कॉम्बो था, फिलहाल जरूरत नहीं थी क्योंकि ब्लैक्स का साइड भी देख लिया, ग्रीन्स का साइड भी देख लिया, आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखो। और गेम ऑफ थ्रोन्स यानी इस यूनिवर्स से कनेक्ट करती हो तो भाई साहब आपका इंतजार हुआ अब खत्म, जून में हमें देखने को मिल जाएगा सीजन। फिलहाल जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो पर, बाय।